आज की बाबरकत शब नूर शब बरात के नाम से मारूफ और मशहूर है। इस बाबरकत शब के दामन में इतनी बरकतें और इतनी रहमतें हैं कि अल्लाह जल्ला शानहू गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैं देखा कि हुजूर मेरे हुजरा में नहीं हैं, तो मैं हुजूर को तलाश करने निकली। जन्नतुल बकी में आसमान की तरफ सर उठाए हुजूर अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहे थे। मुझे देखा तो इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज़्यादती करेगा? फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये समझा शायद आप किसी ज़ौजाए मोहतरमा के हुजरा में तशरीफ़ ले गए हैं। फरमाया, आज लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात है, दरमियानी शब है। इस रात को अल्लाह ताला जल्ला शानहू आसमान दुनिया पे नजूल इजलाल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देता है। कबीला बनु कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जो भेड़ बकरियां पालते थे और लाखों की तादाद में उनकी बकरियों और भेड़ों के रेवड़ थे। तो उस कबीले की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया जाता है। तो ये वो बाबरकत शबे रहमत है, शबे नूर है, जिसके दामन में इतनी बरकतें हैं कि कोई महरूम नहीं रहता। सिर्फ वो बदनसीब लोग जो शिरक में मुब्तला हैं, जो सख्त कीना परवर हैं, जो कता रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी या बदकार हैं, उन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है, वरना अल्लाह की रहमतों का उमूम इस बाबरकत रातों में इस कदर होता है कि कोई गुनाहगार जो उसके हुजूर हाथ दुआ के लिए उठाता है और अपना दामन फैला के उसकी रहमतें मांगता है, उसे महरूम नहीं रखा जाता, बल्कि अल्लाह सब गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देता है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पे अपनी रहमतों से जलवागर होता है और फरमाता है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसकी झोलियां भर दूं, है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला, मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूं, है कोई मुझसे आफ़ियत मांगने वाला, मैं उसको आफ़ियतों से नवाज दूं, है कोई फ़लाँ चीज़ मांगने वाला, है कोई फ़लाँ चीज़ मांगने वाला। उसकी रहमतें आवाज़ देती हैं और ये आवाज़ गुरूब आफ्ताब से लेकर के तुलुए फजर तक मुसलसल बंदों को दी जाती है और बंदे उसके हुजूर अगर दस्ते तलब दाराज करें, अपनी झोली फैलाएं, तो अल्लाह ताला उनको उनके मांगने से भी ज़्यादा अता फरमाता है। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने इस तरह की रातें दे करके मग़फ़रत, बख्शिश, गुफ़रान और रहमतों की फरावानी नसीब की है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक शख्स सुबह से लेके ज़ोहर तक मजदूरी करता है, उसको एक कीरात मिलता है। एक ज़ोहर से लेकर असर तक मजदूरी करता है, उसका वक्त थोड़ा है, लेकिन उसको भी एक कीरात मिलता है। और तीसरा शख्स असर से लेकर मगरिब तक मजदूरी करता है, उसको 2 कीरात मिलते हैं, जबकि उसका वक्त दोनों से कम है। फरमाया, पहली मिसाल यहूद की है, दूसरी मिसाल नसारा की है। और तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की है कि इसको थोड़े अमल पर ज़्यादा सवाब दिया जाता है। तो यहूद और नसारा ने इस पे बुरा मनाया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने उनके अजर में तो कमी नहीं की लेकिन मुसलमानों को ज़्यादा अजर दे दिया, तो ये उसकी करम नवाजी है। तो ये थोड़े वक्त की इबादतें और चंद रातों की बेदारी और मखसूस औकात में अल्लाह के हुजूर इबादत और रियाजत एक गुनाहगार को कहां से कहां तक पहुंचा देती है, उसके गुनाहों की माफ़ी का जरिया भी बनती है और दराजात की बुलंदी का सबब भी। देखिए लैलतुल कदर एक रात 1000 महीने की इबादतों से बेहतर करार पाती है। इसी तरह दीगर मौक़े हैं कि अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए रखे हैं रहमत रब बहाना मी तलब, और यूं भी पढ़ा गया रहमत रब बहाना मी तलब। उसकी रहमतें कीमत नहीं मांगती और उसकी रहमतें बहाना तलाश करती हैं, तो वो अपने बंदों को बख्शने पे आमादा है अगर वो अपना दामने तलब फैलाएं। कुरान मजीद में एक मुकाम देखिए कितना दिलावेज है, फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। उसकी ये चाहत नहीं है कि तुम्हें अजाब में मुब्तला करे, उसकी चाहत यह है कि तुम उसकी चौखट पे आओ, झोली फैलाओ, उससे खैरात और रहमत मांगो और वो तुम्हारे माजी के सारे गुनाह माफ करके, सारी गलतियां माफ करके तुम्हें अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे। तो वो बंदों को बख्शने पे, बंदों की मगफरत करने पे आमादा है और उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। अल्लाह अकबर। और दूसरी जानब उसके बंदे, उसके ममलूक, उसकी मखलूक, और मखलूक की गुनाहगार और नेकोकार उसकी रहमतों के तालिब होते हैं, बल्कि वो गुनाह करने के बाद जब माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह को ये माफ़ी बहुत पसंद है। माफ़ी मांगना, उसके हुजूर अपने दामन को फैलाना, वो उसको बहुत ज़्यादा महबूब है। इंसान की फितरत के अंदर गुनाह रखा गया है। आग, हवा, मट्टी, पानी, ये इन 4 चीज़ों का मुरक्कब है। इसके जो अनासर हैं उसमें कभी एतदाल कायम नहीं रहता और इससे गुनाह सरजद हो जाते हैं। गुनाह करने के बाद बंदे का उस गुनाह पे असरार करना, अड़ जाना, जिद करना, तौबा ना करना, अल्लाह को ये पसंद नहीं। लेकिन अगर उससे गुनाह सरजद हो जाए तो फिर वो तौबा कर ले तो अल्लाह को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जो उससे हो सके नेकी वो अल्लाह के हुजूर पेश करे, लेकिन उसके अंदर जो शर रखी गई है, उसके अंदर जो कुव्वतें गुनाह की रखी गई हैं, उससे अगर उससे गुनाह सरजद हो जाए तो फिर वो अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे। तो अल्लाह उसकी तौबा को न सिर्फ कबूल करता है बल्कि उसके गुनाहों को माफ करता है और गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। जब गुनाह नेकियों में तब्दील हो गए तो जितना बड़ा गुनाहगार था उतना बड़ा नेकोकार हो गया। हजरत सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में जा रहे थे तो एक शराबी ने हाथ में बोतल पकड़ी थी शराब की, तो हजरत उमर हाथ में दुर्रा रखते थे और आपका जाहो जलाल दीद नहीं होता। तो जो ही हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को उसने देखा तो डर गया और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह आज उमर के कहर से बचा ले, मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। और जल्दी से शराब को बगल में छुपा लिया। इतने में हजरत उमर सर पे पहुंच गए और गरज कर कड़क के कहा कि ये तेरी बगल में क्या है। क्योंकि उसको बोतल छुपाते देखा था तो वो डर गया और डरते डरते कहने लगा, हजरत ये सिरका है। अब थी तो शराब लेकिन डरते हुए बोला, हजरत सिरका है। तो हजरत उमर ने कहा निकाल। जब निकाला तो शराब नहीं थी, वाकई सिरका बन चुका था। तो जब अल्लाह के हुजूर कोई तौबा करता है अल्लाह उसके गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन अल्लाह एक शख्स को कहेगा कि अपना नामा अमाल पढ़, तो वो नामा अमाल पढ़ने लग जाएगा। तो नामा आमाल के अंदर छोटे गुनाह भी होंगे, बड़े गुनाह भी होंगे। तो अल्लाह से हया करते हुए, शर्म करते हुए वो बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ता जाएगा और छोटे छोटे गुनाहों को पढ़ता रहेगा। जब वो सारे गुनाह पढ़ चुकेगा और किताब ख़त्म होगी तो अल्लाह ताला उसे फरमाएगा, मेरे बंदे तूने ये जितने गुनाह पढ़े हैं मैंने सब को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया। तो बंदा कहेगा, अल्लाह अभी तो मेरे बड़े बड़े गुनाह रहते हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं। फदाहकन नबीयो हत्ता बदत अनयाबहु, हुजूर जब ये बयान फरमा रहे थे तो हुजूर इतना मुस्कराए कि सहाबा ने हुजूर की दाढ़ें देख ली। तो पहले वो बड़े बड़े गुनाह छोड़े जा रहा था, लेकिन जब अल्लाह फरमाएगा कि मैं तेरे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया, तो वो कहेगा अभी तो बड़े बड़े गुनाह रहते जो मैंने अभी पढ़े ही नहीं। तो जब कोई बंदा उसके हुजूर तौबा करता है, अल्लाह ये नहीं देखता इसने गुनाह कितने किए हैं, ये देखता है बंदा आया मेरी चौखट पे है, तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा।